खर्च की गई। पाकिस्तान पर ये जो आपत्ति है वो भारी पड़ गई है। पीसीबी ट्रॉफी के साथ पीओके नहीं जा सकेगी। पीओके में ट्रॉफी के साथ टूर चाहता था पाकिस्तान। आईसीसी ने ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया। 2025 में पाकिस्तान में ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और ऐसे में आईसीसी का फैसला है कि पीओके नहीं जाएगी ट्रॉफी। तो देखिए मनोज जी, ये जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत करी, जिस तरीके से इस ट्रॉफी को लेकर तीन जगहों के नाम जो सामने दिए थे, जैसे ये नाम सामने आए उसके बाद से लगातार ये जो फैसला था आईसीसी का, ये वाकई में काबिले तारीफ था कि पीओके ये ट्रॉफी नहीं जाएगी, विवादित जगहों पर ये ट्रॉफी नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान की एक और कोशिश कि वो जान पूछ कर भारत की तरफ उंगली करे, लेकिन ये उसी पर भारी पड़ गया। जिस तरीके से उसने ये उंगली करने की कोशिश करी उसका जवाब करारा दिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक करारा जवाब मिलना भी चाहिए था। एक तरफ अगर आप होस्ट हैं, मेजबान हैं, तो आपका आप में विनम्रता होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक होस्ट जो है हाथ जोड़कर खड़ा होता है अभिवादन करने के लिए। आप तो उकसा रहे हैं, आप भारत के साथ, और वैसे बड़ा संवेदनशील मामला है, हम हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहते हैं, आपसे खेलना चाहते हैं, हमने कोई मना भी नहीं किया, और आप उसका प्रचार करते हैं। अब आप ट्रॉफी को लेकर आप जो है पाक अधिकृत कश्मीर के उन विवादास्पद इलाकों से आप उसको गुजारना चाहते थे, जहां अब आप क्या साबित करना चाहते हैं, वहां उतनी आबादी भी नहीं है, और 8000 फीट के समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर आप वहां से उसको ट्रॉफी को ले जाना चाहते थे, वो जो आपने रूट बनाया था जो आज से शुरू होनी थी। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस पर कड़ा एतराज जताया, आप उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात रखी और आईसीसी ने त्वरित एक्शन लिया और उनको उस पर रोक लगा दी, जो बहुत स्वागत योग्य है। मैं कहूंगा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान अब इसके जरिए उसने फेंक कर देखा कि अगर हम ये करके देखते हैं, भाई आप लाहौर से, लाहौर में करते ये काम, ट्रॉफी को लेकर आप उसका प्रदर्शन करते, होता है, बड़ा स्वाभाविक चीज है, तो बात समझ में आती क्योंकि वो वेन्यू है। कराची में करते बात समझ में आती है, रावलपिंडी में करते तो बात समझ में आती है, लेकिन आप आजाद कश्मीर, या जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं ये लोग, वहां से, वहां के चार विवादास्पद क्षेत्रों से उसको निकालने की जो इनकी योजना थी वो बिल्कुल धरी की धरी रह गई। तो इस तरह से माकूल जवाब आईसीसी ने दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इनको समय समय पर इस तरह का माकूल जवाब देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। और क्या लगता है अब मनोज जी, क्या इनका दूसरा रूट मैप सामने आएगा, किस तरीके से अब पाकिस्तान जो है इस पर अगला कदम उठा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा झटका लगा है तो ऐसे में जरूर तिलमिला तो रही होगी पूरी टीम भी। जी हाँ बिल्कुल, एक प्रमोशनल इवेंट है, हम इवेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विरोध सिर्फ उन इलाकों को लेकर है कि जो विवादास्पद हैं, और आप उसको आप खेल तो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप मेजबान हैं, आपकी तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपने जिस तरह से जो कदम उठाया है, भारत को उकसाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जो मोहसिन नकवी ने बोले कि उन्होंने ये कहा कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल के लिए तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है, और अगले दिन ही भारत ने मना कर दिया, भारत सरकार की तरफ से, कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो अब कैसे पाकिस्तान पीछे हटे, कैसे आवाम को कन्विंस करे, ये एक नाक की लड़ाई है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए कि 1996 का जो वर्ल्ड कप उसने भारत के साथ मिलकर आयोजित किया था, उसके बाद उन्हें पहली बार कोई आईसीसी की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। उनको ये, वो इस बात को विजुलाइज करके देखें कि जब ये चैंपियनशिप पूरी हो जाएगी तो कितने रास्ते खुलेंगे पाकिस्तान के लिए, उन सब चीजों पर नहीं। आप बस सिर्फ नाक की लड़ाई कि भारत जो है उसको यहाँ आना चाहिए, भाई अगर इतना ही ज्यादा अगर आपको भारत से खेलने का शौक है तो अपनी सरकार को कहिए कि सरकार टू सरकार बातचीत करे, क्योंकि यहाँ बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल नहीं है, आप वहां झुकना भी नहीं चाहते कि, और दोनों मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी, आप दोनों तरीके से खुद को चलाना चाहते हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं कहूंगा कि इस तरह का विरोध करने का भी मतलब नहीं। बिल्कुल। और अब वेन्यू में जरूर पाकिस्तान बदलाव करेगा, और इसी के साथ देखना होगा क्या ये बदलाव जो है वो किया जाएगा मनोज जी। और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो मेजबानी को लेकर, और जिस तरीके से अगर कभी भी भारत का मैच हो, इससे पहले भी अभी मैच कुछ दिनों पहले ही जिस तरीके से अटकलें देखी गई थी, ये सिलसिला अक्सर ही चला रहता है। अगर बात की जाए सरहद की तो वहाँ पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन अपने इस घटिया हरकतों को, राजनीति को भी इन खेलों के बीच में जब पाकिस्तान लाता है तो ऐसे में ज़रूर माहौल ख़राब होता है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कोई कड़ा एक्शन जो है ज़रूर हो सकता है इसको लेकर।
जी बिल्कुल, आने वाले समय में इस बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान की सरकार को भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जो हरकतें हैं ये उनको जमीन पर ला रही हैं। आप उठ नहीं रहे हैं, आप होस्ट होने के नाते आपको उठने का मौका मिला था, ऊपर उठने का मौका मिला था, अपनी छवि को सुधारने का मौका मिला था, और आप उसी में उलझ कर रह गए, अपने फालतू की बेकार की बातों में उलझ कर रह गए। अगर आप इससे आपने निजात नहीं पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो पाकिस्तान का आवाम है वो कहीं आपको पटकनी ना दे दे, वो कहीं आपका विरोध अगर उसने कर दिया तो आपके लिए बचा पाना बड़ा मुश्किल है। उनको ये गलत फहमी है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो क्रिकेट प्रेमी है। देखिए, वो कभी भी क्रिकेट को लेकर समझौता नहीं करता, लेकिन उनको ये है कि हमारी जो नाक की लड़ाई है उसमें हमारा आवाम साथ है, हम आवाम को खुश कर रहे हैं, जबकि आवाम इनके खिलाफ है। आवाम देखना चाहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला। भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया कि भारत सरकार जो है भारतीय टीम जो है पाकिस्तान से नहीं खेलेगी आईसीसी टूर्नामेंट में, बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत हम दुबई में खेलने का अवसर मिलता है तो हम जरूर खेलेंगे, या श्रीलंका या दुनिया के किसी भी कोने में आप कहेंगे हम उनसे पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार का ये फैसला है और हम उसके साथ हैं। बिल्कुल बेहतरीन जानकारी मनोज जी ये, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कोई जो एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैच पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है और जिस तरीके से सरहद पर तो ये अपने इन हरकतों को अंजाम देते हैं, यहाँ पर भी इनको ज़बरदस्ती अब घुसाने की कोशिश की जा रही है और इनके ये जो इरादे हैं वो भी साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका, मैच बहुत बेहतरीन था और जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया एक एक पारी को वो भी